भेड़िया कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। भेड़िया कैनेडाए पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला ही मेंबर है। हाल ही में एक फिल्म भेड़िया भी रिलीज हुई है, जिसमें मानव भेड़िया की कहानी है। भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। भेड़ियों का शिकार करने का तरीका सामाजिक होता है। ये अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि गिरोह बनाकर हिरण गाय जैसे चरने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। भेड़िये अपने क्षेत्र में शिखर के शिकारी होते हैं, जिन्हें मनुष्यों और शरों को छोड़कर और किसी से चुनौती नहीं होती। भेड़ियों के जबड़े की मांसपेशियां जर्मन शेफर्ड कुत्तों की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली होती हैं और प्रति वर्ग इंच 1500 पाउंड का दबाव पैदा कर सकती हैं। भेड़ियों के 42 दांत होते हैं। भेड़ियों के पैर लंबे, पतले और छाती संकीर्ण होती है। वे हिरण और एल्क जैसे चलते हुए शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ने के लिए अनुकूलित हैं। भेड़िये का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता है। भेड़िया मांसाहारी भोजन करता है। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यदि इनके बच्चों को कोई उठा लाए तो वह पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। साथ ही जब यह शिकार पर जाते हैं तो उनके साथ वैसे भेड़िये नहीं जाते जिनकी उम्र अधिक हो गई है। उनकी लंबाई पूंछ सहित 6 फीट तक होती है और कंधे तक उनकी ऊंचाई लगभग 30 इंच होती है। मादा भेड़ियों का वजन लगभग 70-80 पाउंड होता है, जबकि नर का वजन लगभग 95-100 पाउंड होता है। भेड़ियों के थूथन कोयोट की तुलना में बड़े और अवरुद्ध होते हैं, कान छोटे और अधिक गोल होते हैं और पूंछ छोटी और झाड़ीदार होती है। भेड़िये कहाँ रहते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भेड़ियों की बड़ी आबादी ज्यादातर पूर्वी यूरोप, उत्तरी एशिया, अलास्का और कनाडा के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। पर्यावास, जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान और इनके बीच की हर चीज, जिसमें विकसित वातावरण जैसे कुत्ते और भेड़िये दोनों भौंकते हैं, लेकिन भेड़िये परिपक्व होने पर भौंकना बंद कर देते हैं। कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि वे कभी परिपक्व नहीं होते। 4. भेड़ियों के विपरीत पुरुष कुत्ते आमतौर पर अपने वंश को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। अगर कुत्ते आवारा या जंगली हैं, कृषि भूमि भी शामिल है। यह सर्वविदित है कि भेड़िये के काटने के घावों से गंभीर संक्रमण हो सकता है। इसमें शामिल सूक्ष्मजीव काटने वाले जानवर की मौखिक गुहा से उत्पन्न होते हैं, जो उनके निगले गए शिकार और अन्य खाद्य पदार्थों के माइक्रोबायोम के साथ साथ उस वातावरण से भी प्रभावित हो सके जहां चोट लगी थी। कुत्ते और भेड़िये दोनों भौंकते हैं। भेड़िया एक ऐसा प्राणी है जो प्यारा भी है और खतरनाक भी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सबसे पहले मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ।